केंद्र सरकार कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं के अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को मिल रही छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उनका मंत्रालय बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की 350 सीटें 2024 के चुनाव में जीत कराएंगी। उनकी पार्टी आरपीआई लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरा साथ देगी। शिप में बढ़ोतरी करने की भी स्टूडेंट की मांग है, तो उस पर भी मतलब हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है कि इसमें स्टूडेंट को उसका फायदा होना चाहिए। दूसरा, हमारे मंत्रालय की एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की एक स्कीम है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए, जिनको अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, यूक्रेन में, अभी यूक्रेन में तो अभी स्टूडेंट नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब जहां जहां उनको एडमिशन मिलता है उनको 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख जितना भी उनका खर्चा आता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तो हमारे पास कम से कम 520 साल में एप्लीकेशन आए थे, लेकिन जो हमारा बजट है उसके मुताबिक हमने 125 स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है और उनको अभी स्कॉलरशिप देने का निर्णय हो चुका है। तो एक स्कीम हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी, हमारी एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है, उसमें कम से कम 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं 75%, और शेड्यूल कास्ट के नए नौजवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो मदद हम करते हैं।